सो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो फिलहाल मेरी बाइक में आ रही है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रॉपरली प्रॉब्लम क्या है। सो अभी जैसे कि देख सकते हो आप, जब मैं अपना बाइक का इग्निशन ऑन करता हूँ एंड किल स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ एंड जो हमारा सेल्फ का बटन है उसको प्रेस करता हूँ, तो बाइक सेल्फ नहीं ले रही है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द बाइक। एंड ये कभी सेल्फ लेती है एंड कभी नहीं लेती है। इसको ऑन ऑफ कर इग्निशन को करना पड़ता है। सो आज के ब्लॉग में यही बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सेम प्रॉब्लम आती है, अगर जब बाइक आप स्टार्ट करते हो तो क्रैंकिंग तो दूर की बात है, सेल्फ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। तो जैसे आपको सिंपली अपनी सीट ओपन करना है एंड उसके नीचे आपको यहाँ पर मिलने वाला एक छोटा सा कटआउट स्टार्टर रिले मिलेगा, इसको जस्ट आपको बाहर निकालना है एंड इसका अनप्लग करेंगे हम एंड ये इजी अनप्लग हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको इसे सिंपली उल्टा कर कर नीचे मारना है कुछ इस तरीके से एंड इसको अगेन वापस से रीइंस्टॉल कर देना है। अगर ये मेथड ट्राई करने के बाद अगर आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है तो ये जो छोटा सा कटआउट रिले है ये ख़राब होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर इसके बाद भी नहीं स्टार्ट होती है, सेम प्रॉब्लम आती है, तो आपको अपना किल स्विच असेंबली को ओपन करके चेक करना पड़ेगा एंड स्टार्टर रिले भी चेक करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू ओपन द स्टार्टर एंड किल स्विच असेंबली, अनस्क्रू दिस टू स्क्रूज एंड इसको ओपन करने के लिए मुझे मेरा नकल गार्ड एंड ये मिरर भी हटाना पड़ेगा। सो फाइनली हमने यहाँ पर हमारी किल स्विच असेंबली को इजीली ओपन कर लिया है। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर किल स्विच लगा हुआ है एंड हमारा जो सेल्फ का बटन है वो भी। एंड अभी इसको इसमें जो बोल्ट्स है स्क्रूज है मीन्स उसको भी ओपन करेंगे एंड WD-40 से इसको इजीली क्लीन कर कर देखेंगे। एंड यहाँ देख सकते हैं इसके पॉइंट पर कितना ज़्यादा रस्ट लग चुका है, कार्बन डिपॉजिट। तो यहाँ से टच होकर इंजन को फ्लैश करता है ताकि हमारी बाइक स्टार्ट हो पाए। एंड इस डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा एक WD-40 एंड छोटा सा सैंड पेपर। इसको WD-40 स्प्रे कर कर एंड इससे क्लीन कर देंगे।
सो फाइनली बाइक हमारी प्रॉपरली सेल्फ ले रही है अब। एंड जो हमारा किल स्विच असेंबली था, मैं उसको रीइंस्टॉल कर रहा हूँ वापस से अपनी बाइक में। एंड इसको मैं एक दिन टेस्ट कर देखूँगा कि जो हमारी स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉपरली सॉल्व हुई है या नहीं। सो दिस इज़ द सेकेंड डे आई हैव टेस्टेड माई बाइक एंड द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। जो हमारी स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम थी सेल्फ को लेकर, वो प्रॉब्लम वैसे ही है अभी। एंड इसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हमें हमारी जो बाइक का स्टार्टर रिले होता है उसको चेक करना पड़ेगा। एंड मुझे डाउट है कि वही ख़राब हो गया होगा। सो जल्दी से हम हमारे स्टार्टर रिले को चेक करते हैं एंड उसको चेंज कर लेंगे। सो स्टार्टर रिले को चेंज करने के लिए हमें इस पैनल को ओपन करना पड़ेगा ताकि हम रिले को ईजिली चेंज कर सकें। एंड इस पैनल को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर 3 स्क्रूज होते हैं एंड 2-3 पुश बटन्स होते हैं, उसको ओपन करना पड़ेगा। सो फाइनली हमने पैनल को रिमूव कर लिया एंड बैटरी के राइट साइड पर हमें यहाँ पर स्टार्टर रिले देखने को मिलेगा। इसको अंदर से कुछ इस तरीके से लगेगा एंड ये जो ऊपर का वाला पोर्शन है ये रबर से कवर होता है ताकि इसमें वाटर डैमेज कुछ ना हो पाए, तो इसको रिमूव कर देना है। एंड विद द हेल्प ऑफ नोज प्लायर आपको जस्ट ये दोनों जो टर्मिनल्स है इसको शॉर्ट कर चेक करना है कि अगर बाइक यहाँ से स्टार्ट हो पाती है तो इसका मतलब सेल्फ का जो स्टार्टर वाला रिले है वो ख़राब हो चुका है। तो जस्ट इसको दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको स्पार्क कर चेक करना है। अभी हम इसको स्पार्क करेंगे एंड जैसे कि देख सकते हो स्पार्क लेकर गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो सेल्फ लेने पर स्टार्ट नहीं हो रही है बट यहाँ से रिले को डायरेक्ट शॉर्ट करने पर स्टार्ट हो रही है। देख सकते हो अब नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेल्फ एट ऑल। सो यहाँ पे स्पार्क करने से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब मेरा स्टार्टर रिले ख़राब हो चुका है। सो अभी हम इसको जल्दी से चेंज करते हैं। ऑलरेडी मैंने यामा के जेन्युइन पार्ट से स्टार्टर रिले बाई कर रख लिया है। एंड ये रहा हमारा स्टार्टर रिले FZS V3 के लिए एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 250 रुपीज़। सो ये हमारा स्टार्टर रिले होता है, ऑलरेडी ये फ्यूज के साथ अटैच आता है। सो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं एंड इसको इंस्टॉल करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा हमारा नया स्टार्टर रिले। सो इसको जस्ट हमें जो वायर्स के जो टर्मिनल्स हमने रिमूव किए थे उसको प्लस और प्लस और माइनस वाले को माइनस में लगा देना है, दैट्स ऑल। हमारा पुराना वाला ख़राब जो स्टार्टर रिले है उसको रिमूव करते हैं एंड ये जो यहाँ प्लग देख सकते हो आप इसको ईजिली अनप्लग कर देना है। जैसे कि देख सकते हो अब ईजिली अनप्लग हो चुका है। एंड ये रहा हमारा फ्यूज़, जैसे कि देख सकते हो अब हमारा फ्यूज़ भी अच्छा ही है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है यहाँ पर। सो इसका मतलब हमारा स्टार्टर रिले ख़राब है। सो जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं एंड नया वाला हम इंस्टॉल करेंगे।
आए एंड जैसे कि देख सकते हो हमारी बाइक अब इजीली स्टार्ट हो पा रही है। सो हमने इसको परमानेंटली सॉल्व कर लिया है। जो हमारा पीछे वाला जो कटआउट वाला रिले था उसको भी मैंने चेंज कर लिया है एंड जो हमारा स्टार्टर रिले था उसको भी मैंने नया डाल लिया है एंड जो हमारा किल स्विच असेंबली थी उसको भी ओपन कर मैंने परफेक्टली सॉल्व कर लिया है। एंड अब जो हमारी स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम है गैस के कभी आने वाली नहीं है मेरी बाइक में। सो अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी बाइक में तो मेक श्योर के फर्स्ट आप अपना कटआउट वाला जो रिले है उसको चेक कर लें एंड आफ्टर दैट जो हमारी किल स्विच असेंबली है उसको चेक कर लें। उसके बाद ही आप जो अपना स्टार्टर रिले वाला सेक्शन है उस पर जा सकते हो। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू एफजीएस व्लॉग। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग व्लॉग के साथ। सो स्टे